एक पास पूरा देश कोरोना वायरस की वजह नाल लॉकडाउन है तो पंजाब विच करफ्यू जारी है जिस दे चलते रोज कमाई कर घर का गुजारा करने वाले प्रवासी मजदूरों के चूल्हे खाली पे हैं और वह पंजाब चो पलायन करना चाहते हैं। यही मांग कर रहे हैं खन्ना विच रहने वाले प्रवासी मजदूर जिन्होंने समाज सेवी संस्थावां वालों एक वक्त का खाना तो मिल रहा है पर प्रशासन की नाकामी के चलते घर तक राशन नहीं पहुँच रहा। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि उन्होंने भेदभाव किया जा रहा है। इस वेले वह परेशान हैं, काम नहीं मिल रहा, मकान मालिक किराया मांग रहे हैं, वह भुखे हैं और उन्हों की मांग है जां तां सरकार उन्हों की मदद करे जां सरकार उन्हों नूं वापस भेजन का इंतजाम करे। लक्ष्मण महतो, खाने पीने दो रोटी देता है, इतनी चावल, एक बच्चे एक पेट नहीं भरता है, चार बच्चे हैगा, घर का चार जने छह जने हैं, तो यहाँ देता है दो रोटी, दो रोटी से क्या होने वाला है। तो राशन दे के गया आपको कोई? राशन तो दूर वहाँ पर कहता है जाओ वो कोई मुसलमान के पास जो इधर का है प्रधान, उसके पास जाओ और कुछ नहीं देता है। तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आए आपके पास? कुछ भी नहीं, एक दाना का रोटी के दाना भी नहीं आया इधर। अच्छा एक बात बताओ, कितने वक्त आपको खाना देके जाते हैं यहाँ? एक दिन आता है तो चार दिन नहीं आता, तो वो भी दो रोटी। कौन देके जाता है? वो जो गुरुद्वारा का है दो तीन आदमी वो देके जाता है। समाज सेवी देके जाते हैं, सरकार की तरफ से कोई नहीं? सरकार तरफ से कुछ भी नहीं आया। काम क्या करते हो आप? मजदूरी का काम करते हैं, तसले उठाते हैं राजमिस्त्री नाल। तो इतनी देर से आपका गुजारा कैसे चल रहा है? 22 तारीख से कर्फ्यू लगा हुआ, क्या करें? वही में एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखा सोते हैं। राशन पानी कुछ नहीं आया। तो सरकार तो कहती है मजदूरों के अकाउंट में पैसे डालेंगे, पैसे वैसे कुछ नहीं। उनको यहाँ पे खाना मिलेगा? खाना वाना कुछ नहीं। कभी SDM आई यहाँ पे? नहीं सर, कोई नहीं आया। वो राशन दे के गया कोई? नहीं सर, कोई नहीं देके गया। तो समाज से भी आपको खाना कितना दे जाते, कितने वक्त मिलता आप? समाज सेवी सर शाम को देख के जाते हैं, बाकी और भी लोग आज आए थे, अभी तक तो खैर हमारे मोहल्ले के जो समाज सेवी थे उनके द्वारा मिल रहा था, बाकी आज भी एक लोग बाहर से भी आए होके देके गए, और उसमें चावल होती, सब्जी होती है, रोटी होती है। एक ही वक्त का खाना मिलता है? हाँ शाम को मिलता है सर, शाम तो गुजारा हो जाता है एक वक्त? नहीं सर, कैसे गुजारा हो जाएगा, क्या शाम को ही आदमी खाएगा, सुबह दोपहर का भी तो चाहिए सर। हम यही 21-22 तारीख से लगभग नहीं गए। तो खाना कैसे, गुजारा कैसे चलता है सर? वही एक टाइम तक रोटी पानी आ जाती है हम लोगों के पास, वही शाम सुबह में कभी एक बार आ जाती है, बाकी रोटी पानी का कोई यहाँ पर निवारण नहीं है सर। किराया तो सर मांगता है जो ताला मारने के लिए तैयार हो गया, कल भी लड़ाई हो गया था मकान मालिक से, बोलता है जो निकलो नहीं तो किराया दो हर महीने। तो आपने किसी अधिकारी को बताया अभी? यहाँ पे कोई आता ही नहीं, किसको बताएंगे सर। तो खाने पीने का कैसे चल रहा है? खाने पीने एक टाइम खाते हैं, एक टाइम 5 बजे एक टाइम खाते हैं, कभी भूखे भी रह जाते हैं। तो राशन देने आए यहाँ पे? राशन कोई नहीं सर देता है यहाँ, जो देता है अपने अपने रख लेता है बस, हमारे लोग को कोई नहीं दिया है। क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से क्या मांगेंगे, खाना देगा नहीं तो अपना व्यवस्था लगेगा, हम लोग का घर भेज जाएंगे फिर। हमारे रिश्ता कैसे गुजारा हो रहा है, कभी रोटी मोहल्ले में बांट रहा कि गरीब आदमी को तो देता नहीं है। तो आपके पास खाना भी नहीं पहुंच रहा? नहीं, एक टाइम कभी देता कभी नहीं देता है, कच्चा कच्चा अगला दिहाड़ी करने वाला भूखे मर जाएगा। तो राशन पहुंचा आपके पास कभी? नहीं, हमारे पास कभी नहीं पहुंचा। कोई अधिकारी आपका हाल जानने आए यहाँ पे? नहीं। वोट डालते हो आप? नहीं, हम लोग का नहीं है वोटर कार्ड। सत्ती ना है जी। कितनी देर से खन्ना में रह रहे हो? अरे हम ढेर दिन से रहते हैं जी। तो ये बंद चल रहा है, इस समय गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा एक बुढ़ा का हुआ है जी, काम पर कहीं जाता नहीं है, लंगर कभी मिल जाता है तो कभी मिलता नहीं है। तो राशन पहुंचाया किसी ने आपके यहाँ? कोई नहीं, एको किलो आटा नहीं मिल दिया। तो सरकार तो कह रही सभी को राशन मिलेगा, खाना मिलेगा, मिल रहा? नहीं जी, आटा नहीं मिला, खाना तो मिल गई, दो बेर एक बेर मिल गई खाना, ये बात नहीं है, खाना मिल गई। एक ही समय मिलता है? हाँ एक टाइम मिल जाता है, गुजारा हो जाता है उससे। अब वही में सामान रख लेते हैं, दो दो रोटी, अब का करी पेट का तरह से जी आई की बाजी, सात पलवार है, सात ठौरा हम के हैं। लंगर है सारी संगत वास्ते है, जेड़ा भी कोई गरीब जेड़ा दिहाड़ी दा जेड़ा काम नहीं लग रहा ज्यादा लॉकडाउन होया है, असीं उन्हां नूं डोर टू डोर जाके जेड़ा लंगर दे के आने, ये उन्हां वास्ते बन रहा। कई इलाकों के लोगों के लंगर मुश्किल नाल एक समय तक पहुँच रहा है। देखो ज़्यादातर जिन्नी भी समाज सेवी संस्था जिहड़ियां लंगर वरता रही खन्ने के वो दिन के टाइम ही वरता रही ने, रात को मेरी कई जगह पर जाके गल हुई है, रात को जिहड़ा है लंगर नहीं जा रहा,
और सारी जिहड़े लोग ने यह गल कह रहे हैं जिहड़े रोज़ सजरियां कमाने वाले भी सानू रात की साड़ी जिहड़ी रसोई है वो साडा चूल्हा बंद है तो मैं तो सारी संस्था को कहूँगा भी शाम का भी तुसी लंगर सारे मिलकर आप तैयार करिए और शाम को भी सारे लंगर असीं घर पहुँचाने की कोशिश करांगे। सज्जन सैनी की रिपोर्ट टीवी NRI।